हमारे भैया दीदी आचार्य आचार्या सबको जय श्री राम। मैं रविंद्र दुबे लारी पानशाला ग्राम विद्यालय लारी पानशाला सेवा आयु 4 वर्ष संज रामगढ़ अंचल रामगढ़ संकुल गोला मैं पहले इधर उधर ट्यूशन पढ़ाया करता था और उसी क्रम में बीमारी से ग्रसित हुआ और उस बीमारी के ग्रसित असाध्य रोग पैरालिसिस 3 टाइम्स अटैक हुआ और अटैक होने के बाद उसका इलाज हुआ। उसके बाद एक अपने भाई हैं एकल से जुड़े हुए हैं दौलत कुमार जी, उनसे मैं मजाक किया कि भाई आप ही लोग कमाते रहोगे, हमको मेरे ऊपर भी तो ध्यान दो। तो वो जो है सो इसमें जोड़े हमको और तब से इसमें काम करना शुरू किए। चल नहीं पा रहा था ठीक से, दोनों पैर दोनों हाथ काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी तो जब उसमें जुड़े तो समझ में नहीं आ रहा था कि एकल क्या है। धीरे 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 हमारे भैया कर्ण भैया राजूल भैया और इस तरह से तमाम जो भी भैया यहाँ हैं उपस्थित, उसे धीरे 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 अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लगक है, संपर्क बनाए रखते हैं, लोगों का आगमन होता है ग्राम विद्यालय में, बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। इन सबों से मार्गदर्शन लेकर के एक और ललक जागी कि जब विधाता ने हमको ठीक किया है तो हम एक काम करें और विद्यालय अपने समय से, विद्यालय का समय 3 से 6 है। विद्यालय प्रारंभ होने से पहले विद्यालय में सबसे पहले मैं पहुंचता था, बच्चे एक दो आना शुरू करते थे, फिर बच्चे साफ सफाई करते थे, अपना जो समय था पूरा टाइम दिए और पूरा टाइम देने के बाद जो है वो सुगंध भी आना शुरू हुआ, बच्चे अच्छे करने लगे, नियमावली को समझे, पाठ्यक्रम को समझा, आचार्य को समझा, आचार्य भी बच्चों को समझे, आचार्य बच्चों को समझे और बच्चे आचार्य को समझे, बहुत बड़ी बात है। समझ में आया और उसका सुगंध जो है प्राप्त हुआ। इस वर्ष अपने यहाँ ग्राम विद्यालय में पढ़ी और पास करने के बावजूद भी, ग्रेड 1, 2, 3 पास करने के बावजूद भी वो बच्ची जुड़ी रही, उसका क्लास चलता रहा और रिजल्ट बहुत सुंदर रहा, जैसा कि अपने अभिभावक से सुनने को प्राप्त हुआ आप सबों को। वह बहुत अच्छी अंक से उत्तीर्ण हुई और अभी यही कॉलेज में है, वुड्स लाइन में है, तो बच्ची अभी यही उसका 9th पोजीशन है, 9th पोजीशन है, 9वां स्थान है और आगे बहुत कुछ करने का वो सोची है। कार्यक्रम में वो तो बोली भी थी कि बहुत देश का सेवा करना है, इंजीनियर बनने की ललक है और अपना कार्य अभी लगा हुआ है और भी बच्चे हैं बहुत सुंदर।